इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिंगावदा गांव में, देवास के पास में, जहाँ पर देवास से उज्जैन जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण हो रहा है, इसे 4 लेन बनाया जा रहा है। लेकिन सिंगावदा गांव में करीब 18 किसान ऐसे हैं जिनके मुआवजे वितरण में विसंगतियाँ। मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये रोड के किनारे के सारे घर हैं और ये सभी किसानों के घर हैं। और आरोप ये है कि अगर 4 आरे ज़मीन ली गई है तो उसमें मात्र 1 आरे का ही मुआवजा किसानों को दिया गया है, और कुएँ हैं, बोरिंग है, इनका मुआवजा अलग से दिया जाता है और इनमें सब में विसंगतियाँ हैं। आश्वासन जरूर दिया जा रहा है लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। रोड का निर्माण निर्बाध रूप से चल रहा है लेकिन मुआवजे में विसंगतियाँ खड़ी हैं। और हम यहाँ के जो किसान हैं यहाँ पर एकत्रित हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। पटेल साहब, आप बताइए क्या क्या परेशानी आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्यों आपको मुआवजा अब तक मिला नहीं है, क्या आश्वासन? मैं भगवान सिंह जी पटेल का लड़का हूँ। मेरा एक गोबर गैस है, एक बोरिंग है, एक बादाम का वृक्ष है और ज़मीन भी ज़्यादा अधिग्रहण करी जा रही है। और बोला हमको नहीं चाहिए, और वो जो ROW इनका उन पीछे गाड़ रखा है और बार बार आते हैं, टेप रखते हैं और ज़बरदस्ती काम करते हैं और धोज देते हैं। मतलब कितना मुआवजा आपको मिलना था और कितना नहीं मिला? अभी जैसे अभी मेरा घर बना उसमें 550 फीट का भी उसमें मुआवजा मिला नहीं। और ऐसी ज़मीन में भी जो पास में खेत बना हुआ है, खेत में भी अभी पूरा मुआवजा नहीं मिला। और ये काम ज़्यादा जगह में कर रहे हैं और सही नापती नहीं कर रहे हैं और सही बता भी नहीं पा रहे अभी तक। और आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आप मैं गया तो कितनी बार ADM साहब के पास भी गया, तहसीलदार साहब के पास भी गया, तो उनने अभी तक बस देख लेंगे, कर देंगे, आएंगे हम आके देखेंगे, इसका निराकरण कर देंगे, आप चलो हम आ जाएंगे, टीम आ जाए, आश्वासन मिल जा रहा है। आश्वासन ये दिया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पीछे दिखा दूँ, ये रोड के किनारे कुआं है, किसान का कुआं है जिसे बाकायदा निर्माण कंपनी ने इसको बंद कर दिया, पैक कर दिया, लेकिन इसका भी मुआवजा किसान को नहीं दिया गया है। और किसान जब मुआवजा मांगने जाते हैं तो उनके आश्वासन ही उनको दिया जाता है, काम निर्बाध रूप से चल रहा है। किसका कुआं है? दादा क्या बोलते हैं आप? कुआं अभी तहसीलदार साहब आए थे तो ये बोल गए कि 7 दिन में देंगे, जिसका 1 महीना हो गया। अच्छा। और अभी अभी काम करना आया तो वो अभी भी कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, मुआवजा मिल जाएगा, रोज आते हैं दे ही नहीं रहे। मेरे को पहले 255 का इनका जो 275 के पैसे दिए, मेरे मकान के 225 रुपये 20 रुपये दिए, 8,000 की ईंट हो गई मेरे को मकान बनाने के लिए, 5,000 में जब ईंट थी सरिया था। हमारे 9 आरे ज़मीन गई है आपकी? हाँ। और 7 आरे का मुआवजा दिया है, 2 आरे का दे, 2 आरे का मुआवजा नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं, कारण क्या? बस आ जाए आप, काम करना तो काम मत रखो, कुछ भी त्रुटि हमसे हुई है हम करेंगे, तो कब तक? हमारा तो मुआवजा आज चाहिए ना हमको। कितना कितना आप लोगों समय हो गया डिमांड उठाते हुए? डिमांड उठाते थे 5 महीने हो गए। आपने कहा ना सर 5.5 आरा गई हुई है और 1.5 आरे का मुआवजा आया हुआ, मतलब 5 आरे के बदले 1.5 आरे के। हाँ, और बाकी जो पटवारियों से इनसे नपती करवाई मैंने तो वो आया और यथावत स्थिति में जो सम्मिलित जो बैठाए थे उनकी तरफ से जो रोड वगैरह वालों के, तो सबको मिलके भी ये दिया था, उसको भी 4 महीने हो चुके हैं कि कुछ मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं है और हमारे पेड़ खंबे सब तोड़ ताड़ के चले गए, सारे काट दिए उन्होंने, पेड़ एक भी नहीं छोड़ा। हमारा ये है कि मतलब कालूराम सुखराम के नाम से मेरी भूमि है, 5 आरे भूमि जा रही है मेरी, और 2 आरे का मुआवजा दिया उनने, मैंने नक्शा दुरुस्त करवाया, ये HDM साहब ने ऑर्डर भी किया, 2 आरे और ज़मीन बड़ी मेरी नक्शे में, उसका भी मुआवजा नहीं आया। CM साहब के नाम सभी किसानों ने जाके ज्ञापन दिया था HDM साहब के यहाँ, तो उनने बोला था कि 15 रोज में हमें निराकरण हो जाएगा आपका, तो 15 रोज बाद फिर गए हम, तो फिर उनने बोला कि मेरे ऊपर विश्वास रखिए 8 रोज में हो जाएगा। मामला कहाँ पर अटका हुआ है, कहाँ अटका? मुआवजा नहीं मिल रहा हमको पूरा, तो एक एक तहसीलदार साहब से भी मिले हम, HDM साहब से भी मिले हम, CM साहब के नाम ज्ञापन भी दिया हमने कि हमको उचित मुआवजा दिलाया जाए, अगर हम गलत मांग कर रहे हैं तो हम खारिज कर दिया है, लेकिन हम सही है, हम नक्शा दुरुस्त है सभी है, लेकिन तो फिर मुआवजा क्यों दिया जा रहा है और काम करवाया जा रहा है? क्या आपकी क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरा 247 मीटर का है पूरा मकान था, उसमें मेरे को 200 मीटर का ही मुआवजा मिला है, 47 मीटर का भी शेष है, डाइवर्टेड था अपना पूरा मकान और मैंने उसको बचा के रखा था, तोड़ा नहीं था, 47 मीटर का पैसा नहीं मिला उसको, मैंने अभी तोड़ा नहीं था, साहब आए उनने तोड़ दिया, मैंने उनको बताया साहब इसका अभी मुआवजा नहीं मिला है, बाकी उनने बोले सब आएगा, बोले सब हो जाएगा, हम सब करें, आप तो काम चलने दो, काम मत रुकने दो, हाँ काम आप चलने दो, आपको बिल्कुल मुआवजा दिया, लेकिन आज तक सर कोई एक्शन नहीं हुआ। फलदार वृक्ष भी थे हमारे 6-7, वो फलदार वृक्ष भी तोड़ दिए। हाँ, पुलिस प्रशासन को लेकर आज DI साहब खुद आए थे, आप काम करने दो, जेल में डाल देंगे और शाम को 6 बजे बाद ही आते हैं। PD सर है इनके, वो आते पूरी लाभी लेके आते, ये पंचनामा बनाया उसके बाद मुआवजा देना था ना उनको, उनका पंचनामा मेरे मोबाइल में कम्प्लीट। देखिए मुआवजे में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, निश्चित रूप से जो विकास के काम होते हैं, विकास के कार्य होना चाहिए, लेकिन उसके बदले में जब अगर निजी ज़मीन या भवन जाते हैं तो उसके लिए एक सरकारी गाइडलाइन है
जिसके तहत मुआवजे का वितरण होता है, लेकिन इन किसानों की शिकायत है कि इनको मुआवजा तो नहीं दिया जा रहा, आश्वासन जरूर दिया जा रहा है लेकिन रोड का काम बंद ना हो इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और फिलहाल SDM के कार्यालय में इनका मुआवजे के सारे प्रकरण अटके हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इनके प्रकरण जल्दी सुलझ जाएंगे। और CM से भी शिकायत की इन लोगों ने, धरना प्रदर्शन भी वहाँ जाकर करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।